दिल्ली की सत्ता जीतने वाले अरविंद केजरीवाल आखिर क्यों प्यार के एग्जाम में हो गए थे फेल? क्यों अपनी पत्नी सुनीता को शादी से पहले प्रपोज करने में छूट रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पसीने? आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी लव मैरिज को हिट बनाने के लिए उन्होंने कैसे किया था अपनी दोस्त को शादी के लिए प्रपोज? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 दिल्ली NCR में। मैं हूँ पूनम अधिकारी। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 55वां जन्मदिन है, लेकिन आज मैं आपको केजरीवाल से जुड़ी कोई राजनीतिक खबर नहीं बताऊंगी। आज तो हम बात करेंगे केजरीवाल साहब की शादी से पहले शुरू हुई लव स्टोरी की। क्या आप जानते हैं केजरीवाल साहब की लव मैरिज थी? कैसे हुई अरविंद केजरीवाल साहब के प्यार की शुरुआत? किसने किया पहले प्रपोज? वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन वो बताने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली की जनता का दिल जीतने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता को बेहद प्यार करते हैं, और भाई हो भी क्यों ना, सुनीता जी हर फैसले में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी रही हैं। उनके कारण ही अरविंद केजरीवाल आज यहां तक पहुंच पाए हैं। IRS की नौकरी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल की सुनीता से पहली मुलाकात भारतीय राजस्व सेवा की परीक्षा पास करने के ट्रेनिंग के दौरान की थी। नागपुर की अकेडमी में दोनों पहली बार मिले थे। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था, दोनों में दोस्ती बढ़ गई थी और धीरे धीरे मुलाकातों का दौर भी बढ़ता जा रहा था। दोनों रोजाना घंटों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे। अरविंद केजरीवाल के मन में सुनीता के लिए प्यार का एहसास जागने लगा था, लेकिन कहीं सुनीता जी उन्हें रिजेक्ट ना कर दे, इस डर से ही अरविंद केजरीवाल साहब के अंदर प्रपोज करने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अब क्या करते, प्यार की गाड़ी तो बीच में अटक गई थी, क्योंकि प्यार तो दोनों तरफ था लेकिन इजहार नहीं हो पा रहा था। कई महीनों तक अरविंद केजरीवाल और सुनीता ने अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखा, लेकिन एक दिन अरविंद केजरीवाल ने ठान लिया कि वो अपने प्यार का इजहार करके रहेंगे। एक दिन कॉलेज में केजरीवाल साहब सुनीता के पास गए और घुटनों पर बैठकर सुनीता जी को प्रपोज कर डाला। सुनीता जी ने पहले तो कोई जवाब ही नहीं दिया, लेकिन सुनीता जी हमेशा से चाहती थी कि उनका पति ईमानदार हो और देश सेवा को तवज्जो देने वाला हो, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। फैमिली की मंजूरी के बाद अगस्त 1994 में दोनों की सगाई हो गई। इसके 2 महीने बाद ही यानी नवंबर 1994 में दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के 1 साल बाद सुनीता माँ बनी और उन्होंने बेटी हर्षिता को जन्म दिया। इसके बाद साल 2001 में कपल ने अपने बेटे पुलकित का स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल सुनीता को आज भी उतना ही चाहते हैं, उनकी योगदान को वो कभी नहीं भूलते। इससे हमें लगा कि आज अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर हम आपको उनकी राजनीति से जुड़ी हुई नहीं बल्कि उनकी लव स्टोरी का एक छोटा सा किस्सा सुनाएंगे, और वही हमने किया भी। फिलहाल आज के हमारे वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।